अस्सलामुअलैकुम। 8.1 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट में हमें एक सीक्वेंस गिवन है। यहाँ पे भी हम फॉर एन इज इक्वल टू वन के लिए काम करेंगे। एन इज इक्वल टू वन के लिए जब हम करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है ए, बराबर आ जाएगी एस वन के लिए एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन। जनाब एन बराबर होगा एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन, ये आपके पास हो जाएगा वन माइनस वन डी। सही, तो ए इजिकल टू यहाँ एन की जगह भी वन अपॉन टू वन आ जाएगा। तो जनाब टू ए, ये वन माइनस वन आपके पास हो जाएगा ज़ीरो डी, और जब ज़ीरो से डी मल्टीप्लाई होगा तो पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास बचेगा वन अपॉन टू इन टू टू ए। सही, टू से टू कैंसिल, वन इंटू ए, ए इज इक्वल टू ए। तो जनाब पी एन जो है ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू वन के लिए। सही है जनाब। तो जनाब हम सपोज करेंगे कि ये जो है ट्रू है एन इज इक्वल टू के लिए भी, तो आपके पास ये हो जाएगी ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस, जहाँ जहाँ एन है वहां आपने के रख देना है। सही है जनाब। अब आपने क्या करना है, वही काम करना है के प्लस वन टर्म निकाल लेनी है, वो आपके पास हो जाएगी के प्लस एन की जगह के प्लस वन रखेंगे तो के प्लस वन माइनस वन, सिर्फ के बचेगा के डी, ये आपकी टी के प्लस वन हो जाएगी। एस के प्लस वन भी आपके पास यहाँ से आ जाएगी, वो क्या होगी एन की जगह आपके पास के प्लस वन होगा डिवाइड में टू होगा इंटू टू ए होगा प्लस एन की जगह होगा के प्लस वन माइनस वन डी, ये आपने आंसर लाना होगा। सही, ये आपका है रफ वर्क। अब आपने यहाँ पे करना है के लिखना है फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन वी एड ए प्लस के डी ऑन बोथ साइड्स। तो जनाब आपके पास ये हो जाएगा ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस के माइनस वन डी प्लस ए प्लस के डी। सही, इज इक्वल टू के अपॉन टू, टू ए प्लस के माइनस वन डी प्लस ए प्लस के डी। सही हो गया। तो जनाब हम इक्वल टू के इस तरह से जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे इसको, तो हमारे पास जो एलसीएम है वो तो आएगा टू। सही, तो ऊपर आपके पास बचेगा के इंटू टू ए प्लस के माइनस वन डी प्लस, यहाँ आपके पास आ जाएगा टू ए प्लस के डी। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करें आप, तो आपके पास यहाँ पे ये के जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इधर से भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें तो इजी रहेगा। तो ये आपके पास होगा टू ए प्लस के डी माइनस डी, ठीक है, के डी से मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस वन डी से मल्टीप्लाई होगा। ये टू ए से मल्टीप्लाई होगा तो टू ए हो जाएगा, टू के डी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस टू के डी हो जाएगा डिवाइड में टू एज इट इज। तो जनाब ये के मल्टीप्लाई होगा टू ए से तो ये हो जाएगा आपके पास टू ए के मल्टीप्लाई होगा के डी से तो ये हो जाएगा के स्क्वायर डी माइनस के मल्टीप्लाई होगा डी से तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस के डी प्लस टू ए प्लस टू के डी एज इट इज डिवाइड में है आपके पास टू। सही, तो जनाब अब आपके पास टू ए है, ये आपने पहले लिख लिया, के डी स्क्वायर लिख लिया आपने, के स्क्वायर डी लिख लिया, और इसी तरह से आपने टू के डी है और माइनस के डी है तो आपके पास बचा प्लस के डी।
और आपके पास यहाँ पे बच रहा है कोई और वैल्यू, अगर आपके पास बच रही है तो आपके पास बच रही है 2ak वाली, तो ये आपने लिख दिया 2ak डिवाइड में आपके पास है 2, सही। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा और अरेंज कर लें। ए वाली वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2ak, ठीक है। और डी वाली वैल्यू हम बाद में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा kd प्लस के स्क्वायर डी डिवाइडेड बाय 2। अब ये करने की वजह यह है कि यहाँ से तो आपके पास 2a कॉमन आएगा तो बचेगा 1 प्लस के, यहाँ से kd कॉमन आएगा तो यहाँ से भी आपके पास बचेगा 1 प्लस के डिवाइडेड बाय 2। तो जनाब 1 प्लस के तो आ गया आपके पास कॉमन, तो बचा 2a प्लस kd डिवाइडेड बाय 2। और जनाब 2kd आप पहले लिख लें, 2a प्लस kd आपने पहले लिख लिया, 1 प्लस के आपने बाद में लिख लिया डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, अब हमें आंसर लेकर आना है k प्लस 1 अपॉन 2 और 2a प्लस k प्लस 1 माइनस 1 डी। अच्छा, ये 1 प्लस के है, इसको हम k प्लस 1 करके लिखें क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो हम ये k प्लस 1 अपॉन 2 तो हम पहले लिख लेते हैं, k प्लस 1 अपॉन 2 तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब 2a प्लस kd को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन तो यहाँ पे 2a है, 2a एज इट इज आ गया प्लस, अब ये k मल्टीप्लाई हो रहा है डी से, तो हम k की वैल्यू लिख सकते हैं k प्लस 1 माइनस 1 डी, सही है। प्लस 1 माइनस 1 0, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ के डी बचेगा जो कि ये वाली वैल्यू होगी। अब देखिए यही हमें आंसर भी लेकर आना था, तो ये हो गया है हमारा प्रूफ। अब वही 3 लाइनों का आंसर जो आप क्वेश्चन नंबर 1 से लिखते आ रहे हैं वो आपने यहाँ पे भी लिख देना है। सेकंड पार्ट में भी हमने क्या करना है, n इक्वल टू 1 के लिए करना है काम। तो जनाब फर्स्ट टर्म a है और s1 आपके पास है a, 1 माइनस rn यानी r की पावर आपके पास यहाँ पे भी हो जाएगी 1, डिवाइड में 1 माइनस r है तो जनाब r की पावर 1 r ही रहेगा, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू a 1 माइनस आर अपॉन 1 माइनस आर, ये आपस में कैंसिल होगा तो बराबर आ जाएगा a इज इक्वल टू ए के। तो जनाब पी एन जो है ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो जनाब हम सपोज कर लेंगे कि पी एन जो है ट्रू है किसके लिए, n इज इक्वल टू k के लिए, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमने k लिख देना है, तो ये हो जाएगा a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर के माइनस 1 इज इक्वल टू a 1 माइनस आर के अपॉन 1 माइनस आर, सही। अब हमने क्या करना है, k प्लस 1 देख लेना है कि क्या बनेगी हमारी, ये हमारा रफ फर्क होता है, तो ए आर k की जगह आपने k प्लस 1 माइनस 1 कर लेना है, तो ये बनेगा ए आर के एस के प्लस 1 आपके पास यहाँ से आ जाएगा ए 1 माइनस आर की पावर के है तो आर की पावर के प्लस 1 हो जाएगी अपॉन 1 माइनस आर, सही है। ये हमें आंसर लाना होगा तो हम लिखेंगे फॉर एन इजिकल टू के प्लस 1 वी एड ए आर की पावर के ऑन बोथ साइड, सही हो गया ये। तो ये आपके पास हाइपोथेसिस बनेगी प्लस ए आर के माइनस 1 प्लस ए आर के इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर के डिवाइड बाय 1 माइनस आर प्लस ए आर के, सही। अब इक्वल टू के इस तरह से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 1 माइनस आर, तो ऊपर तो हमारे पास बच जाएगा ए माइनस आर की पावर के और यहाँ हमारे पास आ जाएगा ए आर के मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर, ठीक है। तो जनाब इसको फर्दर सॉल्व करें, 1 माइनस आर डिवाइड में है, ये आपके पास हो जाएगा ए माइनस ए आर के प्लस ए आर के पावर के और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ए आर बेसिस सेम पावर एड, ये हो जाएगा के प्लस 1, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ आपके पास बचेगा ए माइनस ए आर के प्लस 1 डिवाइड में आपके पास 1 माइनस आर है, यहाँ से आपने कॉमन ले लेना है ए तो ऊपर बचेगा 1 माइनस आर की पावर
के प्लस वन डिवाइड में वन माइनस आर है। तो ये आपका आंसर हो गया है प्रूफ, और वही तीन लाइनों का आंसर जो आप क्वेश्चन नंबर वन से लिखते आ रहे हैं वो आपने यहाँ पे भी लिख देना है। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास अब आ गए हैं डिवीजन। अब तक हम समेशन के क्वेश्चंस करते हुए आ रहे थे, अब हमारे पास आ गए हैं डिवीजन के क्वेश्चन। ये भी सेम तरीके से होते हैं, इसमें भी सबसे पहले एन इज इक्वल टू वन के लिए काम करना पड़ता है, जो कि आपके पास हो जाएगा 2 3, एन की जगह आ जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 28 1 माइनस 4। तो जनाब ये आपके पास हो जाएगा 3 1 3 प्लस 2 2 की पावर 5, ठीक है, माइनस 28 माइनस 4, और ये आपके पास हो जाएगा 32 माइनस 32, और ये होता है 0, जो कि डिविजिबल होता है 49 से। तो जनाब हम लिखेंगे 0 इज डिविजिबल बाय 49, ठीक है। तो जनाब गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इसी तरह से हम n इज इक्वल टू k के लिए करेंगे, और इसमें भी हमें क्या करना होता है, अज्यूम करते हैं हम, अज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपके पास k आ जाएगा, ठीक है जना। अब क्या होगा, ये भी डिविजिबल बाय 49 होगा, ठीक है। अब हम करेंगे n इज इक्वल टू के वन के लिए, तो ये हो जाएगा फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन वी हैव, फिर हमारे पास 2, ठीक हो गया, 3, और के की जगह आ जाएगा के प्लस वन प्लस 2 एज इट इज, माइनस 28 के प्लस वन माइनस 4। तो जनाब ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 3 के प्लस 3 प्लस 2 माइनस 28 के, और ये हो जाएगा माइनस 28 माइनस 4। तो जनाब आपके पास ये तो बनी 3K प्लस 3 प्लस 2 माइनस 28K माइनस 28 माइनस 4, ये हो जाएगा 30। अब जनाब इसमें जो अगला स्टेप है, इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें जो K वाली टर्म होती है ना, K वाली वैल्यू, उसके बराबर लाना होता है इसको ना, ठीक है, इसको वापस K वाली फॉर्म में वापस लाना होता है। तो यहाँ पे हमारी एक एक्स्ट्रा जो थी, आप कह दें क्या पावर ऐड हुई, के में हमारे पास 3K प्लस 2 था या 3K प्लस 3 प्लस 2, तो आप एक 2 की पावर 3 आप अलग कर लें, ठीक है, और 3K प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 28K माइनस 32। तो जनाब हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है ना 2 की पावर 3, ये आपके पास क्या बनेगी, 8 इंटू 2K प्लस 2 माइनस 28K माइनस 32। अभी जो 8 वाली वैल्यू है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब ये जो 8 है ना, ये अलग से जो 8 है, इसको K वाली वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो अब K वाली वैल्यू से आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये 8 जब K वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 8 इंटू 3K प्लस 2 माइनस 8 इंटू 28K माइनस 8 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 32, ठीक है। ये एक स्टेप आप करते हैं, अब देखें माइनस 8 28K, अब 8 इंटू 28 आपके पास होता है 224, लेकिन हमें इसको वापस क्या बनाना है, माइनस 28K। तो जनाब माइनस 224K प्लस 196K, ठीक है। अब 224K में से आप प्लस माइनस के प्लस 196 करेंगे तो आपके पास माइनस 28K आ जाएगा, ठीक है। ये एक वैल्यू हमें अलग से अपने पास से लिखनी होती है, क्योंकि हमें वापस उसी फॉर्म में वापस आना होता है। तो जनाब इन पूरी वैल्यूज में से तो आपके पास आ गया 8 कॉमन,
तो आपके पास क्या बचा, टू, आपके पास बचा टू के, आपके पास वैल्यू बची टू, थ्री के प्लस टू माइनस 28K माइनस 4, ठीक है, प्लस 196K एज इट इज़। अब देखें ये हमारे पास K वाली फॉर्म वापस आ गई, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, क्योंकि ये भी जो है 49 से डिवाइड हो रही होगी, क्योंकि हम ऊपर देख कर आ चुके हैं कि ये वाली जो है डिविजिबल बाय 49 है, और 196K भी 49 से डिवाइड हो रहा होगा। तो हम लिखेंगे बाय अवर हाइपोथेसिस टू, थ्री के प्लस टू माइनस 28K माइनस 4 इज डिविजिबल बाय 49 एंड 196K इज ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 49, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 49 फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ 3, 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। तो यहाँ पे भी आप सबसे पहले फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे, तो आपके पास हो जाएगा 3, 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 8 1 माइनस 9, ये आपके पास हो जाएगा 3, 2 इंटू 1 प्लस 2, 2 2 प्लस 2, ये आपको हो जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 8 माइनस 9, ठीक हो गया। तो जनाब 3 की पावर 4 आपके पास होता है 81 माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 17, तो आपके पास आया 64। ठीक है, और 64 जो है वो 64 से ऑब्वियसली डिवाइड हो रहा होगा, तो हम लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए। तो फिर हम जनाब सेम एज इट इज एज्यूम करेंगे कि जो हमारे पास इस स्टेटमेंट है वो ट्रू है किसके लिए, फॉर एन इज इक्वल टू के के लिए। तो जनाब जहाँ हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 3, 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9, ठीक है, और हम लिख देंगे इस डिविजिबल बाय 64। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1, तो जनाब फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3, 2k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8k प्लस 1 माइनस 9, ठीक हो गया। तो अब यहाँ से तो आपके पास आ जाएगा 3, 2k प्लस 2 प्लस 2 माइनस 8k प्लस माइनस 8 माइनस 9, ठीक है, माइनस 8 माइनस 9, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3, 2k प्लस 2 प्लस 2 माइनस 8k माइनस 17। तो हम क्या करते हैं, के वाली फॉर्म में वापस जाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास 3 की एक पावर एक्स्ट्रा है जो कि है 2, तो हम उस 3 की पावर 2 को 3 की पावर 2 अलग कर लेंगे, तो आपके पास बचा 3, 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 17, ये आपके पास होता है 3 की पावर 9 इंटू 3, 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 17। अब जो ये 9 है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं के वाली फॉर्म से, के वाली फॉर्म आपके पास है 3, 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9, तो जनाब ये आपके पास होगी 9 इंटू 3, 2k प्लस 2 माइनस 9 इंटू 8, आपके पास हो जाएगा 72k माइनस 9 9 81। हमने ये टर्म यहाँ पे आँख बंद करके लिख देनी है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9 इंटू 3, 2k प्लस 2 माइनस 72k माइनस 81। जनाब यहाँ पे माइनस 72k है, हमें माइनस 8k चाहिए, तो हम ऐड करा देंगे प्लस 64k, ठीक है, माइनस 72k प्लस 64k आपके पास माइनस 8k आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 17 है और माइनस 81 है, तो वापस माइनस 17 में जाने के लिए हम 64 को प्लस में लिख देंगे, ठीक हो गया ना। तो इस टर्म में से आपके पास आ गया 9 कॉमन, तो बचा 3, 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9, ठीक हो गया। यहाँ से आपके पास प्लस में 64 कॉमन आया, तो k प्लस 1 बच जाएगा, ठीक हो गया। तो जनाब देखें हमारे पास, हमें पता है कि ये जो फॉर्म है 69 से, तो 64 से डिवाइड हो रही थी,
64k plus 1 also divisible by 64. Therefore, the given expression is also divisible by 64 for n is equal to k plus 1. Hence, by mathematical induction, the given statement is true for all positive integral value of n. तो ये हो जाएगा आपका आंसर। थर्ड पार्ट में भी हम सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए काम करेंगे। तो जनाब 10 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 4 1 प्लस 2 प्लस 5। तो जनाब 10 की पावर 1 10 रहेगी प्लस 3 इंटू 4 की पावर 3 4 4 16 16 और आपके पास हो जाएगा 64 प्लस 5। जनाब 10 प्लस 64 इंटू 3 आपके पास हो जाएगा 132 प्लस 5। तो जनाब 192 में 10 प्लस किया, ये हो गया 202 प्लस 5 207, जो कि डिविजिबल बाय 9 है। ठीक है जनाब, तो जनाब ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई। फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए तो हम अज्यूम करेंगे, अज्यूम दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। तो यह जवाब हो जाएगी 10k प्लस 3 इंटू 4 k प्लस 2 प्लस 5। ठीक है जनाब, तो जनाब हमारे पास k वाली टर्म भी हमारे पास अज्यूम हो गई और ये भी डिविजिबल बाय होगी 9। ठीक है जनाब, अब हमने करना है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो जनाब फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 आपके पास इक्वेशन बनेगी 10k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4 k प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5। ठीक हो गया, तो जनाब ये आपके पास हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने के वाली फॉर्म में वापस आने की कोशिश करनी है। तो 10 के था हमारे पास यहाँ प्लस 1, एक हम 10 की पावर 1 अलग कर लेंगे और 10 के एज इट इज़। ठीक है, प्लस 3। अब हमारे पास के वाली फॉर्म में था हमारे पास के प्लस 2, तो हम एक 4 की पावर 1 अलग कर लेंगे, 3 इंटू 4 की पावर 1 इंटू 4 के प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 10 इंटू 10 के 4 के पावर 1 4 रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 4 के प्लस 2 इंटू प्लस 5। ठीक हो गया जनाब, अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि ये जो 10 है इसको मल्टीप्लाई करवा देना है के प्लस वाली फॉर्म से। ठीक है जनाब, जब ये 10 जो है के वाली फॉर्म से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास आएगी 10 इंटू 10 के प्लस 10 मल्टीप्लाई होगा 3 से, आपके पास हो जाएगा 30 इंटू 4 के प्लस 2 और 10 50 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 50। अब यहाँ पे प्लस 30 इंटू 4 के प्लस 2 है, के वाली फॉर्म में जब हम वापस जाएंगे तो हमें करवाना पड़ेगा माइनस 18 इंटू 4 के प्लस 2। ठीक है, माइनस 18 कराएंगे तो हम यहाँ पे 12 वापस आ सकता है हमारे पास, इधर प्लस में हमारे पास 50 है, हमें 5 चाहिए तो हम माइनस करा देंगे 45। अब इस तरह से तो हमारे पास 10 कॉमन आ गया, बचा 10 के प्लस 3 इंटू 4 के प्लस 2। ठीक हो गया, यहाँ पे आ गया प्लस 5, यहाँ पे आपने 9 कॉमन ले लिया तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, 2 इंटू 4 के प्लस 2 माइनस पॉजिटिव 5 आएगा। ठीक है, जब माइनस 9 पॉजिटिव 5 से मल्टीप्लाई होता है माइनस 45 आएगा। तो जनाब ये तो आ गई हमारी के वाली फॉर्म वापस, और हमें पता है कि डिविजिबल बाय 9 है, इसी तरह से 9 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी वो भी डिविजिबल बाय 9 होगी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। फोर पार्ट में इसके वही हमें करना है, n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करना है जनाब। तो 11 n प्लस 1 यानी 1 प्लस 2 आपके पास 11 के पावर 3 हो जाएगी प्लस 12 2n यानी n की जगह 1 आएगा तो 2 अंदर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा ये आपके पास। ठीक हो गया, तो ये आपके पास जनाब बनेगा, जनाब ये आपके पास हो जाएगा 1331 प्लस 1728।
और ये आपके पास बनता है 3059, ठीक है, जो कि डिविजिबल बाय होगा 133। ठीक हो गया ना जनाब? ये जो स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन है, एन इज इक्वल टू के करेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पास हो जाएगी 11 के प्लस टू प्लस 12 टू के प्लस 1। ठीक हो गया जनाब? और ये भी ट्रू होगी, ठीक है, और ये भी डिविजिबल बाय होगी 133। ठीक हो जनाब? अब हमने करना है n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए जनाब, फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 वी हैव, अब ये आपके पास हो जाएगी 11 के प्लस 1 प्लस 2 प्लस 12 2 के प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, k की जगह जब हम रखेंगे k प्लस 1 तो 2 k से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 के प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा आपके पास। अब हम वापस k वाली फॉर्म में जाने की कोशिश करेंगे, तो 11 की पावर एक 1 जो है हम अलग कर लेंगे इसमें से, और 11 के प्लस 2 अलग। ठीक है, यहाँ से भी हम अपनी 12 की पावर जो है 2 है अलग कर लेंगे, ठीक है, इंटू 12 टू के प्लस 1 अलग कर लेंगे, तो जनाब ये आपके पास बन जाएगा 11 इंटू 11 के प्लस 2, ठीक हो गया, प्लस 12 की पावर 2 आपके पास होता है 144 इंटू 2 के प्लस 1। जनाब यहाँ पे हमारे पास 11 है, इसको हमने के वाली फॉर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आएगा 11 इंटू 11 के प्लस 2 प्लस 11 इंटू 12 टू के प्लस 1। ठीक है, हमें चाहिए कितना, 144 चाहिए, तो हम क्या करा देंगे, ऐड करा देंगे 133 इंटू 12 टू के प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास ये 144 वापस आ जाएगा, तो जनाब यहाँ से आपके पास 11 आ गया कॉमन, जनाब 11 कॉमन आ गया, आपके पास यहाँ बचेगा 11 के प्लस 2 प्लस 12 टू के प्लस 1 प्लस 133 इंटू 12 टू के प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पास k वाली फॉर्म वापस आ गई है, तो ये तो डिविजिबल बाय है 133 से, ठीक है, और जो भी चीज़ 133 से मल्टीप्लाई हो रही है वो भी लाजमी सी बात है कि डिविजिबल बाय होगी 133 से, और ये आपका आंसर हो जाएगा पूरा। ठीक हो गया, इस फिफ्थ पार्ट में भी आपने क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 के लिए करना है, तो a की पावर 2 इंटू 1 माइनस b की पावर 2 इंटू 1 ये आपके पास हो जाएगा a 2 माइनस b 2, और ये हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b, और a प्लस b के, और जो भी चीज़ a प्लस b से मल्टीप्लाई हो रही है वो लाजमी सी बात है a प्लस b से डिविजिबल होगी। ठीक है जनाब, तो ये तो हो गई ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जनाब हम अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम डैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, तो जनाब ये आपके पास हो जाएगा ए टू के माइनस बी टू के, ठीक है जनाब, जो कि डिविजिबल बाय होगा a प्लस बी। ठीक है जनाब, हम करेंगे n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, तो जनाब हमारे पास होगा a 2k प्लस 2। ठीक है, 2k प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2k प्लस 2 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा माइनस b 2k प्लस 2। तो जनाब हमने यहाँ क्या करना है कि k वाली फॉर्म में हमें वापस जाना है, तो a की पावर 2 अलग कर लेंगे, ए टू के माइनस बी की पावर 2 अलग कर लेंगे, और बी टू के, अब इस वैल्यू को ना हम जो के वाली फॉर्म में वापस जाने के लिए एक स्टेप और ये करना पड़ेगा, ए टू के माइनस ए टू के, ठीक हो गया, हम इसमें से एक वैल्यू ऐड करेंगे ए स्क्वायर बी टू के की, ठीक है, और एक और वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव में ए स्क्वायर बी टू के माइनस बी स्क्वायर इंटू बी टू के। ठीक है,
अब ये करने का जो मकसद है, वैसे तो ये एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास ये वाली फॉर्म वापस आ जाएगी, लेकिन ये करने का मकसद हमारे पास ये था कि यहाँ से हमारे पास जो कॉमन आएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास बचेगा क्या, ए टू के माइनस बी टू के, और यहाँ से आपके पास जो कॉमन आएगा वो आपके पास पॉजिटिव कॉमन आएगा बी टू के, ठीक है। तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। तो जनाब ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए टू के माइनस बी टू के प्लस बी टू के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो जनाब ए टू के माइनस बी टू के ये के वाली फॉर्म वापस आ गई जो कि डिविजिबल बाय है ए प्लस बी के, एंड बी टू के ए माइनस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, जिससे जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी वो लाजमी सी बात है डिविजिबल बाय होगी ए प्लस बी के। तो ये हो जाएगा आपका पूरा आंसर। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।